नहीं आएंगे। यहाँ कुर्सी लगाओ छोटी। तो भाई आवाज आ गई होगी, खोल दिया है। सभी को हेलो हाय। भैया खुद भी आ जाओ, दोस्तों को बुला लो, होने वाले परिवार वालों को बुला लो, सभी को बुला लो। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग जो स्ट्रेटजी बना के रख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज जो क्या है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारे लिए रेगुलरिटी। ठीक है, और स्ट्रेटजी ये है कि अभी पहले मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर रहे हैं, और मॉडर्न फिजिक्स के बाद सीधे आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। शेड्यूल में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोला था, लेकिन इसको रोकेंगे, हम सीधे आ जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो चार्ज, फील्ड, कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारी चीजें खत्म करेंगे। मैग्नेट खत्म करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करा देंगे। ठीक है, तो जब आपका मॉडर्न के पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के, तो आप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फिर पीवाईक्यू शुरू होगा। ठीक, और मंडे टू थर्सडे शेड्यूल रहता है, डेज वही रहेंगे, यूनिट का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो आप मॉडर्न के बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। ठीक है, जैसा शेड्यूल में है डेट वही रहेगा, बस जो है यूनिट का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। खैर, और लगभग लगभग हर चैप्टर का कम से कम 2 दिन पीवाईक्यू कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस और टॉपिक का आइडिया बढ़िया से बढ़िया लग जाए। ठीक है, चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग कल एटम्स के पीवाईक्यू कर रहे थे, आज फिर एटम्स का पीवाईक्यू करेंगे। तो 2 दिन लगातार जो है डिस्कशन हो गया। कल फिर हम लोग न्यूक्लियाई का पीवाईक्यू करेंगे, और फिर न्यूक्लियाई पार्ट 2, टोटल 2 उसके हो जाएंगे। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल to the ground level, the velocity that atom acquires as a result of photon emission will be। क्या भैया सर क्या बोल गए, क्या क्वेश्चन है? चलो इसको फिर से समझते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से पास करता है फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आता है, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो 5th से 1st पर आएगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकलेगा। अच्छी बात है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ दैट एटम एक्वायर एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन। कैसर फिर से समझाओ। देखो क्या है, ये हो गया हाइड्रोजन, समझिएगा मेरी बात को। मान लो ये हाइड्रोजन हो गया, ये एनर्जी लेवल हो गया, मान लीजिए वो 5th से 1st पर आता है। ठीक, ये कह रहा है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 5th
एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है। तो ये फिफ्थ एनर्जी लेवल से यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी को रेडिएशन के रूप में बाहर निकालेगा। अच्छी बात है, ये रेडिएशन बाहर निकल गया, ये फोटोन बाहर निकल गया। तो ये पूछ रहा है वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन, क्या सर क्या है क्या? अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये क्या है, जब एटम से एटम में ट्रांजिशन होता है, रेडिएशन बाहर निकलता है, तो कोई भी चीज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जब ब्लास्ट करती है तो उसका शुरुआती मोमेंटम जीरो है, तो बाद का भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं जितने मोमेंटम से इसका फोटोन बाहर निकलेगा, सुनिएगा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जितने मोमेंटम से इसका फोटोन बाहर निकलेगा उतने मोमेंटम से इसका एटम पीछे जाएगा कि ताकि सिस्टम का मोमेंटम जीरो बना रहे। फिर से देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, तो रेडिएशन निकालने के पहले यह हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी था। बढ़िया, जैसे वो आपने कैनन वाला सवाल देखे होंगे कि भैया कैनन से तोप के तोप से गोला जब बाहर फायर किया जाता है तो जितने मोमेंटम से गोला आगे जाता है उतने मोमेंटम से तोप पीछे जाती है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ है कि जब हाइड्रोजन एटम से रेडिएशन बाहर निकलेगा तो रेडिएशन का फोटोन जिस मोमेंटम से आगे जाएगा उतने ही मोमेंटम से जो हाइड्रोजन एटम है बचा हुआ वो पीछे की ओर जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, पहले रेडिएशन का जो फोटोन है उसका मोमेंटम निकाल लेंगे, उतना ही मोमेंटम हम किसका कह देंगे, एटम का कह देंगे। पहले तो हम ये चेक करें कि भैया 5 से 1 पे आने पर रेडिएशन जो निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो 5 से 1 पे आने पर रेडिएशन जो निकलेगी उसकी वेवलेंथ 1/λ बराबर आर, छोटी वाली संख्या पहले होगी 1² - 5² ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर 1² 1 1/25, तो ये आपका हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 24/25 ठीक, ये 1/λ हो गया। यदि हम दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा यदि हम दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या स्टेप बन जाएगी, h/λ बराबर आर इंटू एच 24/25। और आप सभी लोग जानते हैं h/λ कौन है, बताओ भैया h/λ मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा, कि ये जो रेडिएशन निकल रहा है उसका मोमेंटम h/λ होगा ना, तो ये आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन निकल आया कितना 24 r h/25, ये आपकी मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया, ये आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया। ये सबको समझ में आया ठीक, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया। तो हम यही तो सिखा रहे हैं कि किसी भी हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आता है तो रेडिएशन बाहर निकलता है, तो फोटोन जो रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो जितने मोमेंटम से फोटोन बाहर निकलेगा उतने मोमेंटम से जो एटम है वो पीछे की ओर जाएगा, क्योंकि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज बस्ट होती है तो उसका शुरुआती मोमेंटम जीरो है, तो बाद का भी मोमेंटम जीरो होना पड़ेगा। तो जो एक पार्ट जितने मोमेंटम से आगे जाएगा दूसरा पार्ट उतने ही मोमेंटम से पीछे जाएगा। तो पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब 5 से 1 पे आ रहा है तो कितनी वेवलेंथ निकाल रहा है, 1/λ निकाल लिया, एच से मल्टीप्लाई कर लिया तो मोमेंटम निकल गया, तो ये मोमेंटम ऑफ फोटोन निकल गया। अब हम कहते हैं कि हमें जो रेडिएशन या फोटोन निकला है उसका मोमेंटम पता लग गया, तो जितने मोमेंटम से फोटोन बाहर निकला होगा उतने ही मोमेंटम से एटम कहां गया होगा, पीछे ठीक। तो हम इसको मोमेंटम ऑफ एटम भी कह सकते हैं, इसको हम लोग मोमेंटम ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। तो आपके पास मोमेंटम ऑफ एटम आ गया, मोमेंटम ऑफ एटम आपके पास हो गया 24 r h/25, और मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी बोल दें, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी बोल दें, तो 24 r h/25, m कहां जाएगा नीचे, तो ये सॉल्व हो के आपका v बराबर 24 r h/25 m, ये आपका आंसर आ जाएगा 24 r h/25 m, ये आपका आंसर आ जाएगा 24 r h/25 m। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ बच्चा? फिर से एक बार देख लो क्या सवाल था। ये सवाल आपको न्यूक्लियस में भी मिलेगा, न्यूक्लियस में भी कहते हैं कि भैया न्यूक्लियस से जो है अल्फा एटम
अल्फा पार्टिकल बाहर निकला इतने मोमेंटम से। तो किसी भी बॉडी से जब कोई चीज बस्ट होके बाहर निकलती है, यदि वो शुरुआती बॉडी रेस्ट पर हो और उससे कोई चीज बस्ट होके बाहर निकलेगी, तो जितने मोमेंटम से एक कोई चीज बाहर निकलेगी उतने ही मोमेंटम से काउंटर बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। तो इस सवाल में भी यही था कि किसी हाइड्रोजन एटम में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हो? फिर से देखो, हाइड्रोजन एटम में यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो जितने मोमेंटम से रेडिएशन बाहर निकलेगा उतने ही मोमेंटम से ये जो एटम है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो हम पहले रेडिएशन का मोमेंटम निकाल लेते हैं और उसे फिर हम एटम का मोमेंटम बोल देते हैं। अब रेडिएशन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? पहले हमने देखा ये 5 से 1 आया है, तो पहले हमने वेवलेंथ निकाल ली, 1/λ बराबर आर 1/1² माइनस 1/5² सॉल्व करके 24 r/25 1/λ हो गया। अब हमने पता यदि h/λ मोमेंटम हो जाएगा तो हमने दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका h/λ बराबर आर एच 24/25 हो गया। h/λ मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया। तो हम कह रहे हैं जितने मोमेंटम से फोटोन आगे जाएगा उतने ही मोमेंटम से ये एटम कहां जाएगा? पीछे। तो इसको हम मोमेंटम ऑफ एटम भी कह सकते हैं। तो 24 r/h/25 आपका मोमेंटम ऑफ एटम हो गया। अब इसको हम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर रख सकते हैं, यहां से वेलोसिटी निकल आएगी 24 r/h/25 m। ये क्लियर हुआ सबको? ये सबको क्लियर आया? मतलब आपको इस बात को समझना है कि कोई भी बॉडी जब भी रखे रुखे फूटेगी, देखो सब ब्लैकआउट हो गया, क्या मजाक चल रहा है यार, सब ब्लैकआउट हो गया था अभी। तो जनरेटर सब कुछ चल रहा था क्या? फिर जनरेटर बंद करने की क्या जरूरत थी? ये भी बंद हो गया। ऑन करो, से कहां से ऑन होगा? तो जनरेटर ऑन नहीं किया, ऑफ नहीं किया था उस समय, कहा नहीं ऑफ करवाया था जाके? हम तो सोचे तुम दोनों लोग गए जनरेटर ऑफ करने गए उस समय। वाइस देखो अनु, सबको सही आ रहा है बच्चों? या देखो नाइस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने बोला था कोई फैन चला दो, किसी को होश ही नहीं है, बोल के गया था, बोला ना कोई साइड का कोई भी कहीं का भी कोई फैन चला दो, थोड़ा वेंटिलेशन तो हो जाए। नहीं चलता क्या? कोई फैन नहीं चलता इससे? सारे चल रहे। चलो ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n=3:1 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन इन द ट्रांजिशन। क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n=3:1 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कह रहा है थर्ड एनर्जी लेवल से जब फर्स्ट पे आता है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन कब मिलेगा? आपको हम एक बात बता दें, आप इस बात को रिजल्ट याद कर लीजिए कि लाइमन सीरीज, समझो भैया सबसे पहली बात देखिए,
लाइमन सीरीज की बात करते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज। देखिए आपको समझना है कि लाइमन सीरीज जो है देखो लाइमन सीरीज जो है यूवी रेडिएशन देती है, ठीक। बामर सीरीज आपको लाइट रेडिएशन देती है, ठीक है। और उसके बाद जो तीनों है, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये तीनों सीरीज से आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलता है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में ये रिजल्ट आप दिमाग में बैठा लो, क्या लाइमन सीरीज में आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलेगा, बामर सीरीज में आपको लाइट रेडिएशन मिलेगा, पाश्चन ब्रैकेट फंड में आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा, ठीक है ना। लाइमन सीरीज में आपको यूवी मिलेगा, बामर सीरीज से लाइट मिलेगा, और इंफ्रारेड आपको पाश्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज मिलेगा। लाइमन सीरीज कब मिलती है, जब हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है। लाइमन सीरीज आपको तब मिलती है जब हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है। जब हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज मिलेगी, और जब हाई एनर्जी लेवल से थर्ड, फोर्थ या फाइव में आएगा तब आपको पाश्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज मिलेगी। तो इंफ्रारेड रेडिएशन आपको तभी मिल सकता है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से या तो तीन में आए, या तो चार में आए, या तो पांच में आए। समझ पा रहे हो, पहले इस बात को समझो। लाइमन सीरीज में आपको क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज में क्या मिलता है, लाइट रेडिएशन। इंफ्रा रेडिएशन आपको कौन कौन से सीरीज में मिलते हैं, पाश्चन ब्रैकेट और फंड। और पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज में ही केवल आपको इंफ्रा रेडिएशन मिलेगा। और तो इसका मतलब इंफ्रा रेडिएशन आपको तभी मिल सकता है जब लाइट हाई एनर्जी से या तो थर्ड में आए, या तो हाई एनर्जी से फोर्थ में आए, या तो हाई एनर्जी से फाइव में आए। तो हाई एनर्जी से फर्स्ट में आ रहा है तब तो ये बन गया आपका लाइमन सीरीज, तो पहला नहीं हो सकता, यूवी रेडिएशन देगा। ये थर्ड से हाई एनर्जी से सेकंड में आ रहा है तो ये आपको बामर सीरीज देगा, लाइट रेडिएशन मिलेगा, ये भी आपको इंफ्रारेड नहीं दे सकता। ये हायर एनर्जी से सेकंड में आ रहा है, हायर एनर्जी से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज बनाएगा, लाइट रेडिएशन देगा। ये हायर एनर्जी से थर्ड में आ रहा है तो जब हायर एनर्जी से थर्ड में आएगा तो ये पाश्चन सीरीज बनाएगा, तब आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज बनती है, यूवी रेडिएशन मिलेगा। जब हाई एनर्जी से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज बनती है, लाइट रेडिएशन मिलेगा। और हाई एनर्जी से थर्ड में आए, या हाई एनर्जी से फोर्थ में आए, या हाई एनर्जी से फिफ्थ में आए, तब फंड, पाश्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज मिलेंगे, तब आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन मिलने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में आया हो। तो भैया देखो, यहां हायर से फर्स्ट में आया तो लाइमन सीरीज बनी, यूवी रेडिएशन मिलेगा इसमें, सही बात है ना। इसमें हायर एनर्जी से सेकंड में आया तो बामर सीरीज बनेगी, यहां आपको लाइट रेडिएशन मिलेगा, सही बात है। अब यहां हायर एनर्जी से सेकंड में आया, हायर एनर्जी से सेकंड में आया मतलब बामर सीरीज मिलेगी, बामर सीरीज मतलब लाइट रेडिएशन मिलेगा। तो आपको इंफ्रारेड कब मिलेगा, जब हाई एनर्जी से या तो थर्ड में आए, या तो फोर्थ में आए, या तो फिफ्थ में आए। तो हायर एनर्जी से ये थर्ड में आ गया तो ये आपको पाश्चन सीरीज बन गई, यहां पर आपको इंफ्रारेड मिलेगा। तो भैया इंफ्रारेड रेडिएशन कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में आए, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर हुआ बेटा सबको, एनी प्रॉब्लम, ठीक। तो भैया देखो पांच तरह की सीरीज होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज बनाता है, तब आपको यूवी रेडिएशन मिलता है। जब हाई एनर्जी से सेकंड में आता है तो बामर सीरीज बनती है, लाइट रेडिएशन मिलेगा। बचे हुए तीनों में इंफ्रारेड मिलेगा, हाई एनर्जी से थर्ड में आए, हाई एनर्जी से फोर्थ में आए, हाई एनर्जी से फाइव में आए, तो आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। तो हाई एनर्जी से थर्ड में केवल इसमें आ रहा है, यहां पर आपको पाश्चन सीरीज बन रही है, और यहीं पर आपको जो है इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। ये सबको क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जरा ध्यान दीजिए।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये जनरली इसलिए बता देता है कि आप इस बात को समझ पाएं कि हाइड्रोजन लेवल की एनर्जी लेवल की सीरीज के बारे में सोचना है, ठीक, और कोई इसका रोल नहीं है। आगे पढ़ते हैं, द एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल टू एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन। मैक्सिमम वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? तो भैया मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलती है, जब देखो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला सबको पता है, एच सी अपॉन लैम्डा। आपको एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, एच सी अपॉन लैम्डा। हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करता है, एनर्जी डिफरेंस को रेडिएशन के रूप में निकालता है। जहां पर एनर्जी डिफरेंस कम होगा वहां वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी, सही बात है। जहां एनर्जी डिफरेंस कम होगा वहां वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी। अब हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल जरा याद करो, हाइड्रोजन का पहला एनर्जी लेवल जरा सोचिए, हाइड्रोजन का पहला एनर्जी लेवल आपका, हाइड्रोजन का पहला एनर्जी लेवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरा एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरा एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चौथा एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पांचवा एनर्जी लेवल -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इसको और साफ साफ समझाना चाहें तो हम ये कहते हैं कि शुरुआत में एनर्जी का लेवल का गैप ज्यादा होता है। देखिए यहां पर एनर्जी का लेवल का गैप ज्यादा है, ठीक भाई, 13.6 से 3.4 का गैप ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, 2 और 1 के बीच एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ शॉर्टर मिलेगी। तो हम ये कहते हैं हाइड्रोजन एटम में शुरुआत में एनर्जी गैप ज्यादा होते हैं और बाद में एनर्जी गैप पास पास होते हैं, मतलब एनर्जी गैप कम होते हैं, समझ पा रहे हो। हाइड्रोजन एनर्जी लेवल में शुरुआत में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बाद में ये एनर्जी गैप कम होता जाता है, बहुत पास पास होता जाता है, ठीक है ना। बाद में ये एनर्जी गैप बहुत पास पास होते जाते हैं। तो जितने दूर के हाइड्रो एनर्जी लेवल हैं उनके बीच एनर्जी गैप कम होगा, और एनर्जी गैप जब कम होगा तभी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा वेवलेंथ कम मिल सकती है, जब कहीं दूर के एनर्जी लेवल के बीच कहीं कूदा होगा, दूर के एनर्जी लेवल के बीच जब कूदा होगा तब आपको वेवलेंथ, मतलब जब एनर्जी गैप कम होगा तब वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी गैप कहां मिल रहा है, सबसे कम एनर्जी गैप 3 to 1 की बात करो तो 3 to 1 तक ठीक ठाक का आपको एनर्जी गैप मिल जा रहा है। 2 to 1 की बात करो तो भी आपको बड़ा एनर्जी गैप मिल रहा है 10 के आसपास, ठीक। 4 to 3 आओ जरा, 4 to 3 देखो जरा, 4 to 3 में आपको बहुत ही छोटा एनर्जी गैप मिल रहा है, समझिएगा। 4 to 3 में आपको एनर्जी गैप सबसे कम मिल रहा है, 3 to 2 में भी एनर्जी गैप ज्यादा है, ठीक। तो आपका 4 to 3 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम होगा, और जब एनर्जी गैप सबसे कम होगा उसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। आपसे इसमें यही जानना चाहता है कि सबसे बड़ी वेवलेंथ कहां मिलेगी, तो भैया सबसे बड़ी वेवलेंथ वहां मिलेगी जहां एनर्जी गैप सबसे कम हो। तो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल में जहां एनर्जी गैप सबसे कम होगा वहां पर आपको वेवलेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी। क्लियर हो गया सबको, ये सबको क्लियर हो गया, नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया बढ़िया सवाल है, पढ़ो भैया जरा क्या सवाल है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको सिखाया था
कि ये जो हाइड्रोजन पोटेंशियल दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि हाइड्रोजन एटम की बात करना है, हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल की बात करनी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाई द हाइड्रोजन। कैसर क्या है, देखो ये कह रहा है कि पहले पहली लाइन पढ़ो, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल फिर से एक बार बना लो, पहला एनर्जी लेवल यह हो गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद दूसरा एनर्जी लेवल यह आपका हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा एनर्जी लेवल यह आपका हो गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद ये चौथा एनर्जी लेवल, पास के बाद के एनर्जी लेवल पास पास होते हैं लेकिन समझाने के लिए थोड़ा दूर बना लिया, चौथा एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी बना लेंगे, अब जब पढ़ते हैं क्या सवाल है, क्या कह रहा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बेटा ग्राउंड स्टेट पर है और इस पर रेडिएशन गिरा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है और इस पर जो रेडिएशन गिरा, वो रेडिएशन आपने जो गिराया है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। समझिएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाई हाइड्रोजन। देखो भाई सवाल देखो, कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसका हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको बताने का मतलब यह है कि सारे हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल तुम बना के रख लो। अब कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड किया जाता है। अब हाइड्रोजन एटम अपने आप तो एक्साइटेड होगा नहीं, आप इसको बाहर से एनर्जी देंगे, तो आपने बाहर से एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। अब आपको क्या समझना है कि भैया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो, तो अब आपको ये पूछा है कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के बाद ये कौन से एनर्जी लेवल पर जंप करेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ये जो 13.6 संख्या है उस 13.6 संख्या से ये 12.1 माइनस कर लो। सुन पा रहे हो मैंने क्या बोला, किस एनर्जी लेवल पे ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो संख्या है उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली संख्या से माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा वो यदि किसी एनर्जी लेवल से मैच करता है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा को सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो इसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन सभी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, केवल वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो इसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, जितनी एनर्जी का रेडिएशन गिर रहा है उसे 13.6 से माइनस कर दो, जिस भी एनर्जी लेवल से मैच करेगा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल पर जंप कर जाएगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, जितनी भी एनर्जी का रेडिएशन गिरा रहे हो उसे 13.6 से माइनस कर दो, जिस भी एनर्जी लेवल से मैच कर जाएगा उस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक, तो हम देखते हैं, हम 13.6 में से 12.1 माइनस कर दे रहे, तो 6 में से 5 घट गया, 3 में से 2 घट गया 1, ये आपका 1.5 आ गया। तो 1.5 का लगभग एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपको कहां ले जाएगा, n = 3 में, मतलब इलेक्ट्रॉन n = 3 पे जंप करेगा। अब n = 3 से जंप होने पर कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है n n-1/2। तो ये हो जाएगा 3, 3-1 हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 3 आ जाएगी। ये समझ में आया किसी को, फिर से समझाता हूं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, आपको ऐसे सवाल बहुत आएंगे कि इतनी एनर्जी का रेडिएशन गिर रहा है कौन से एनर्जी लेवल पर जाएगा या कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो तरीका क्या है, पहले तो पहली लाइन पहचानो, क्वेश्चन में लिखा था
आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जहां भी आपको ये पहली लाइन लिखी हुई मिल जाए, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल बना के रख लेने हैं। ये बात सबको समझ में आई? ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है, इट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। जाहिर सी बात है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने आप तो कूदेगा नहीं, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप रेडिएशन दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन, तो ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल हो गया, उस पर आप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन डाल रहे हैं, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन डालने पर वो कौन से एनर्जी लेवल पर जाता है। तो आपको पता करना है कि कौन से एनर्जी लेवल पर जाएगा। इसका तरीका क्या है कि आप 13.6 से जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये शॉर्टकट अप्रोच याद करो, 13.6 से आप 12.1 एनर्जी इसको दे रहे हैं, माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस वैल्यू आएगी वो यदि किसी एनर्जी लेवल से मैच कर रही है तब तो ये जंप करके कहीं जाएगा, और यदि ये डिफरेंस वैल्यू जो आई वो किसी एनर्जी लेवल से मैच नहीं कर रही है तो कहीं पर भी जंप पंप नहीं करेगा, वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब नहीं किया करेगा। हमने देखा कि 13.6 से जब हमने 12.1 माइनस किया तो 1.5 आ गया, मतलब 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेवल से मैच कर गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा 12.1 को और थर्ड एनर्जी लेवल पर आएगा। अब थर्ड एनर्जी लेवल से नीचे कूदने पे कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला n n-1/2 होता है। n कौन है, नंबर ऑफ वही ऑर्बिटल नंबर किस एनर्जी लेवल पे गया, n बराबर 3 रख दिया, 3 × 3−1 2/2 कट गया, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। ये क्लियर हुआ सबको, ये क्लियर हो गया बच्चा? तो मेन तरीका क्या है, जब भी आपको चेक करना हो कि भैया ये पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन हम डाल रहे हैं और वो कौन से एनर्जी लेवल पर जाएगा, तो क्या करेंगे, जो ग्राउंड वाली एनर्जी है उससे उसको माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकल आएगा। वो किसी एनर्जी लेवल से मैच कर रहा है तो वो किसी उस एनर्जी लेवल पर जाएगा, नहीं तो ये वाली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये बात सबको क्लियर हुआ, वर्किंग अप्रोच? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इस बात को समझो, ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि भैया इतने 3.4 या 9.8 या 18.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, कितने ऑर्बिट कौन से एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे उस जो एनर्जी दी है उसको घटा दो, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आएगी वो यदि किसी एनर्जी लेवल से मैच कर रही है तो वो उस ऑर्बिट में कूद के जाएगा, नहीं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये तरीका क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आज चेहरा एरा साफ आ रहा है? कल तुम लोग बड़ा परेशान थे कि भैया चमक नहीं रहे हैं, कल भी मुंह हम धोए थे लेकिन चमक नहीं रहे थे, आज बताओ। लेकिन ये हमारी खूबसूरती का राज हम नहीं है, ये हमारी खूबसूरती का राज अभिषेक भैया है, वो हमको चमकाए हैं, नीचे से लाइट वाइट लगा के पूरा फोकस मारे हैं। आज दोपहर में बोल दिया था कि सर आज हम आपको स्मार्ट बना देंगे, कल वही काला भी बनाए थे। तो आपको भी खूबसूरत बनना है तो अभिषेक भैया से कनेक्ट कर लीजिएगा, आई एंड आई में है। देखो एनर्जी लेवल ए बी एंड सी, देखिए बड़ा शानदार सवाल आपके सामने आ गया है, झेलिए इसको। एनर्जी लेवल ए बी एंड सी ऑफ सर्टेन एटम करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी, corresponding to increasing value of energy. Increasing value of energy मतलब बोले तो EC, EB और EA. ठीक, ये तीन energy level हो गए, अच्छी बात है। Energy level A, B, C of certain atom corresponding to increasing value of energy EA, EB, EC. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelength of radiation. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are wavelength of radiation. Corresponding to transition C to B. ये देखो भैया, ये कह रहा है C से B जाने पे ये जो रेडिएशन निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा वन है। ठीक है, देखो corresponding to C to B, C से B जाने पर जो रेडिएशन निकल रहा है लैम्डा वन, B to A,
बी टू ए जाने पर जो रेडिएशन निकल रहा है वो लैम्डा टू, अच्छी बात है, एंड सी टू ए, सी टू ए जाने पर जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा थ्री, ठीक है, अच्छी बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, क्वेश्चन समझ में आया, ये कह रहा है तीन एनर्जी लेवल है ए बी सी, समझ में आया, तीन एनर्जी लेवल है ए बी सी, सबसे बड़ा एनर्जी लेवल सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग सी से बी जाने पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा वन है, ए फिर बी से ए जाने में, बी से ए जाने पर जो रेडिएशन है वो लैम्डा टू है, और फिर सी से ए जाने पर, सी से ए जाने पर जो रेडिएशन है वो लैम्डा थ्री है, इनमें क्या रिलेशन होगा. पहले देखो सी से बी जाने में, सी से ये सी है ये बी है, सी से बी जाने पर लैम्डा वन है, तो हम लिख सकते हैं ई सी माइनस ई बी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा वन, लिख सकते हैं, अरे हमने यही तो पढ़ा है, दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो रेडिएशन के रूप में बाहर निकलता है और वो एच सी अपॉन लैम्डा होता है, तो सी से बी तक जाने का जो रेडिएशन होगा ई सी माइनस ई बी बराबर किसके होगा, एच सी अपॉन लैम्डा वन के. फिर बी से ए में जाने पर रेडिएशन, बी से ए में जाने पर रेडिएशन ई बी माइनस ई ए, बी ई बी माइनस ई ए, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा टू. बी और ए के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो रेडिएशन के बाहर के रूप में निकलेगा, एच सी अपॉन लैम्डा टू. अब एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, जब हम जोड़ेंगे इनको तो प्लस ई बी और माइनस ई बी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ई सी माइनस ई ए, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा वन, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा टू. अब ई सी अपॉन ई ए कौन है, ई सी अपॉन ई, सॉरी ई सी माइनस ई ए क्या है, ई सी माइनस ई ए मतलब सी से ए तक जाने में, ई सी माइनस ये है सी से ए तक जाने का एनर्जी डिफरेंस, और सी से ए तक जाने में जो एनर्जी डिफरेंस है वो लैम्डा थ्री रेडिएशन निकाल रहा है, तो ई सी माइनस ये को हम एस सी अपॉन लैम्डा थ्री कह सकते हैं, ये आपका एस सी अपॉन लैम्डा वन हो जाएगा, ये एस सी अपॉन लैम्डा टू हो जाएगा. एस सी कॉमन हो के कट जाएगा, और एक बार एस सी कॉमन हो के कट जाएगा तो वन अपॉन लैम्डा थ्री बराबर वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू आ जाएगा. इसको सॉल्व कर ले, वन अपॉन लैम्डा थ्री बराबर लैम्डा वन लैम्डा टू, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू हो जाएगा. इसको उल्टा कर दो तो लैम्डा थ्री बराबर लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. देख लो भैया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा सवाल था. कह रहा है तीन एनर्जी लेवल है, सी से बी में आने पर, ए सी से बी में आने पर लैम्डा वन रेडिएशन मिलता है, बी से सी ए में आने में लैम्डा टू मिलता है, और सी से ए में आने में लैम्डा थ्री मिलता है. तो भैया पहले सी से, हम सी से बी में आए तो ई सी माइनस ई बी कर दिया, एस सी अपॉन लैम्डा वन, भाई सी से ई बी का एनर्जी डिफरेंस लैम्डा वन के रेडिएशन पे निकलेगा, तो ई सी माइनस ई बी बराबर एस सी अपॉन लैम्डा वन हो गया. फिर आप बी से ए में आ गए तो क्या बनाएंगे, ई बी माइनस ई ए, तो एस सी अपॉन लैम्डा टू निकल गया रेडिएशन, भाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक. और सी से ए में जब आओगे, भैया यदि सी से ए में आओगे तो ये बनाओगे ई सी माइनस ई ए, अब कौन सा रेडिएशन निकल रहा है, लैम्डा थ्री, तो एच सी अपॉन लैम्डा थ्री के बराबर हो जाएगा. तो हमने जब पहली और दूसरी क्वेश्चन को जोड़ा तो प्लस ई बी और माइनस ई बी कैंसिल हो गया, तो ये ई सी माइनस ई ए हो गया. तो ई सी माइनस ई ए क्या बताता है, सी से ए में आना, और सी से ए में आने पर जो रेडिएशन निकल रहा है वो लैम्डा थ्री वेवलेंथ का निकल रहा है, तो सी से ए में आने में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगी वो एस सी अपॉन लैम्डा थ्री के बराबर होगी. तो सी से ए में आने में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो एस सी अपॉन लैम्डा थ्री के बराबर हो गई. ये दोनों एस सी अपॉन लैम्डा वन एस सी अपॉन लैम्डा टू हमने जोड़ लिया, एस सी कॉमन होके कट गया, तो वन अपॉन लैम्डा थ्री बराबर वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू हो गया. इसका एलसीएम ले लिया, लैम्डा वन लैम्डा टू गया, ऊपर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू हो गया, यहां से लैम्डा थ्री बराबर लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू. कौन सा आंसर होगा भैया, कौन सा आंसर होगा भैया, कौन सा आंसर होगा बताइए, नाइस नाइस नाइस, बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड. देख लो भाई सब लोग, नाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो आप लोग समझ गए ना कि यदि आपको भी गोरा होना है मेरे जैसे तो क्या करना है.
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट के बेस सवाल है, बढ़िया। इस सवाल को देखिए, आपसे जानना चाहता है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑप्टेन फॉर ट्रांजिशन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलती है? पहले तो आपको ये समझना होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला देखो, जब रेडिएशन निकलता है तो एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू होता है, ठीक? फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होता है? एच न्यू। ये इसका मतलब जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा, ध्यान दीजिए, डेल्टा ई बराबर एच न्यू होता है एनर्जी का फॉर्मूला रेडिएशन के लिए। तो हम ये कह रहे हैं जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा उतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सही बात है? जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मिलेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिशन इज ऑब्टेन फॉर द ट्रांजिशन। अब जरा सोचो, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन, तो सबसे बड़ा जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो सबसे बगल का होता है, वन से टू वाला, ग्राउंड स्टेट के जस्ट बगल वाला जो होता है वो एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, ठीक है? लेकिन अब आपको, सॉरी, वन से टू नहीं, टू से वन आपको इमिशन कराना है ना। इमिशन कब होता है? जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाते हैं। ध्यान से देखिए, अरे देखो भाई, पहला एनर्जी लेवल -13.6, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकेंड एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक? तीसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल आपको -1.51 मिलेगा। अब जरा खुद ही सोचो, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और एनर्जी डिफरेंस टू और वन के बीच सबसे ज्यादा होता है, समझ पा रहे हो? या तो इन्फिनिटी से सीधे कूद के आए, इन्फिनिटी का तो कोई ऑप्शन है नहीं, इन्फिनिटी का नहीं है तो वन और टू के बीच एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ये लगभग 10 के आसपास का है कि नहीं? ये 10.2 के आसपास का एनर्जी डिफरेंस है। इतना बड़ा एनर्जी डिफरेंस फिर आपस में और कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद सब 3 से 0 के बीच की संख्याएं हैं, तो 10 का डिफरेंस तो दे ही नहीं सकता कोई, तो 10 का डिफरेंस 2 और 1 के बीच मिलेगा। अब इसमें भी दो ऑप्शन हो गए कि भैया 2 से 1 की 1 से 2, दो ऑप्शन है ना भाई, 2 और 1 के बीच एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो सर हम कैसे जानेंगे कि 2 से 1 लेना है कि 1 से 2 लेना है? तो समझने वाली बात है, आपको यहां बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन। क्या बोला है, क्या लिखा है बच्चों बताओ? फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन। इमिशन कब होता है? जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आते हैं। आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलता तब 1 से 2 हो जाता। सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलता तब 1 से 2 हो जाता, लेकिन आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन बोला है। इमिशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है। तो 2 से 1 आने पर आपको एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। ये समझ में आया सबको? क्योंकि देखो इसके बाद के जो भी एनर्जी लेवल बन रहे हैं उसमें डिफरेंस आपको 10 के आसपास का नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार जो 2 से 1 के बीच 10 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का जो गैप हो गया ना, इतना बड़ा गैप, फिर भाई जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से 0 के बीच की होंगी, तो 3 से 0 के बीच का कोई भी डिफरेंस का सेट आपको 10 का डिफरेंस नहीं दिला पाएगा। तो सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस या तो सीधे इंफिनिटी से भी आएगा तो 1 से 2 में ही एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है। लेकिन वही बात है कि 1 से 2 में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बनाएगा, 2 से 1 में आएगा तो इमिशन बनाएगा। आपको इमिशन फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आंसर 2 से 1 होगा। ये क्लियर हुआ सबको? किसका आंसर बी आ रहा है? हाँ, आज चाय नहीं आई, क्या कर सकते हो, लगता है चाय नहीं आई, अब क्या बताएं, नहीं आई, बाद में लाइव के बाद समझेंगे इसका हिसाब क्यों नहीं आई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डज ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2, 4 से 2 करता है, देन एमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम विल बी। पहले तो मैंने आपको सिखाया था हाई एनर्जी से मैंने आपको सिखाया था, देखो भाई क्या सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डज ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 2 देन इमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम विल बी। तो पहले आपको समझना होगा, मैंने आपको सिखाया था हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आए तो लाइमन बनता है,
बताया था, इलेक्ट्रॉन यदि हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आए तो लाइमन बनता है, और जब हाई एनर्जी से सेकंड में आए तो क्या बनता है? बामर बनता है। ये किसी को समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन बनता है, जब हाई एनर्जी से टू में आता है तो बामर बनता है। तो ये हाई एनर्जी से टू में आया है तो पहली बात तो सीरीज बामर वाली होगी, तो बामर तो केवल एक ही ऑप्शन है। पहला तो ऐसे ही लॉजिक लग गया, मैंने आपको सिखाया है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है तो पाश्चन बनाता है, ठीक, जब हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट सीरीज बनती है, और जब हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ में आता है तो फंड सीरीज बनती है। तीन सीरीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तो लाइमन बनती है, जब हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर बनती है, जब हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है तो पाश्चन बनती है, हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट बनती है, हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ में आता है तो फंड बनती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फोर्थ से सेकंड, तो हाई एनर्जी से सेकंड में आया तो बामर तो बनेगा बनेगा। तो ये देखो बामर सीरीज हो गई, ये एन बराबर हो गया टू, टू के ऊपर कौन होगा थ्री, थ्री के ऊपर कौन होगा फोर। अब देखिए मैंने बोला जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर सीरीज बनती है, मैंने बोला जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर बनती है, तो सेकंड के जस्ट बगल कौन है तीन, तो पहले तीन से टू में आएगा तो ये बनी आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपकी बामर की फर्स्ट लाइन बनी, समझ रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर सीरीज बनाता है, तो सेकंड के जस्ट बगल कौन है थ्री, तो थ्री से टू में आएगा तो बामर की पहली लाइन बनेगी, जब फोर्थ से टू में आएगा तो बामर की सेकंड लाइन बनेगी, फिफ्थ से टू में आएगा तो बामर की थर्ड लाइन बनेगी, सिक्स्थ से टू में आएगा तो बामर की चौथी लाइन बनेगी। समझ पा रहे हो बात को, लाइन का चक्कर, लाइन मारना सीख पाए तुम लोग, कैसे लाइन मारते फिर से सीख लो, कैसे लाइन मारी है मैंने, कैसे लाइन मारनी है, कैसे लाइन मारनी है इसमें फिर से सीखो, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है तो बामर की लाइन बनती है, आपको बामर की लाइन मारनी है तो मैं आपको लाइन मारना सिखा रहा हूं, हाई एनर्जी लेवल से जब सेकंड में आएगा तो बामर की लाइन मार सकते हैं, कैसे, जब थर्ड से सेकंड में आएगा बामर की फर्स्ट लाइन बनेगी, जब फोर्थ से सेकंड में आएगा बामर की सेकंड लाइन बनेगी, जब फिफ्थ से सेकंड में आएगा तो थर्ड लाइन बन जाएगी, सिक्स से सेकंड में आएगा तो फोर्थ लाइन बन जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आया है तो थर्ड से सेकंड में आया बामर की फर्स्ट लाइन, फोर्थ से सेकंड आया बामर की सेकंड लाइन, तो आंसर कौन होगा, सेकंड लाइन ऑफ बामर। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम? ये क्लियर हुआ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक और देखो बढ़िया गजब सवाल, देखो तुम लोग बस सबसे बड़ी चीज तुम्हारी पढ़ाई की क्या रहेगी, रेगुलरिटी, तुम ईमानदारी से रेगुलर तुम लोग रहे तो मैं पूरा एक सवा महीने में काफी कुछ कवर करा दूंगा, और ये सारे सवाल फर्जी सवाल नहीं है, ये सारे पीवाईक्यू सीरीज है तो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। इससे पीवाईक्यू सीरीज लास्ट टाइम में करने का मेन फायदा पता है क्या है, आपको आइडिया लग जाता है कि जो हम चीजें पढ़ाते हैं, जो लेक्चर पढ़ाते हैं, जो कंटेंट पढ़ाते हैं, वो हमारे एग्जाम में आने वाले सवालों से कैसे रिलेट होता है, इसलिए इसका डिस्कशन बहुत जरूरी है। आप थोड़ा थके भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस देखिए कैसे वर्किंग हो रही है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्लास खत्म कर देंगे, एक घंटा मतलब एक घंटा, ठीक है, बस तुम क्वेश्चन देखो, चाहे पांच क्वेश्चन देखो लेकिन सीखने को मिले अच्छा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड ऑर्बिट, अरे वही बामर की सेकेंड लाइन अभी अभी पढ़ा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है बामर सीरीज बनाता है, सही बात है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लेवल से आता है सेकंड में तो बामर बनाता है, थर्ड से सेकंड में आएगा बामर की फर्स्ट लाइन बनाएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा बामर की सेकंड लाइन बनाएगा। खैर इधर आओ, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट फोर्थ टू द ऑर्बिट एन इक्वल टू टू हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। ये तो सिंपल सवाल है, मैंने आपको ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ निकालना सिखाया है आपको, मैंने आपको सिखाया था ट्रांजिशन में आपको यदि वेवलेंथ निकालनी है तो वन अपॉन लैम्डा बराबर आर
छोटी वाली संख्या पहले होगी और बड़ी वाली संख्या बाद में होगी। सिखाया था ना n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए। तो भैया 4 से 2 आया तो 2 यहां रखोगे 4 वहां रखोगे, तो 1/λ हो जागा r। हाइड्रोजन एटम था इसलिए z स्क्वायर में z की वैल्यू 1 हो गई। ये हो जाएगा छोटी वाली संख्या हमेशा पहले रखोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली ये बामर सीरीज की वेवलेंथ निकाल रहा हूं, वो भी सेकंड लाइन की। मैंने सिखाया था हाई एनर्जी लेवल से सेकंड पर आएगा हमेशा बामर सीरीज मिलेगी, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 1/λ बराबर r, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा r। 16 एलसीएम ले लो, 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 3r/16 बन जाएगा 1/λ। r बराबर पता नहीं कितना आएगा, सॉरी लैम्डा बराबर आ जाएगा 16/3r, 16/3r। सबको क्लियर है, सिंपल से सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे आया तो रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी? तो यदि भाई हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो यहाँ जेड स्क्वायर भी होता, लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात हो रहा है तो जेड बराबर 1 हो गया, ये गायब हो गया। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया 1/λ = r, 1/n1² - 1/n2². इसमें सबसे बड़ा कोड वर्ड याद रखना, छोटी वाली संख्या हमेशा पहले रखोगे। 4 से 2 में आया, 2 से 4 में आया, लेकिन फॉर्मूले में छोटी वाली संख्या पहले रखोगे, वेवलेंथ निगेटिव में थोड़ी बताओगे, ठीक है। तो 1/4 4 से 2 में आया तो 1/2² 1/4² तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 16, 16 और 4 कैल्शियम 16 हो गया, ये 4 टाइम्स चला गया, ये आपका पता नहीं कितना आ गया 3r/16 हो गया, लैम्डा उसका उल्टा हो गया तो 16/3r हो गया। कौन सा आंसर होगा? डी। क्या सबका ये आ रहा है? आ गया, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए फिर से समझिए, रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी यही सब कुछ आपको देगी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार सवाल है, देखिए देखिए आप लोग कितना शानदार सवाल आपके सामने आ गया है। अब देखने के साथ साथ समझिए भी क्या है, देखिए क्या सवाल है। द फिगर इंडिकेट्स एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम, ये किसी एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है, अच्छी बात है, हम लोग खुश हैं। द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन, 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनी है इधर उधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, ठीक है। द फिगर इंडिकेट्स एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम, ये एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बताता है। द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशंस, ये इमिशन की 6 स्पेक्ट्रल लाइन है, हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आया है, ये सेकंड पर आया, ये सब इस तरह से आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अच्छी बात है, सब ग्राउंड लेवल एक्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल अकर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कह रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। बच्चों ये कह रहा है हमने ये इनिशियल स्पेक्ट्रम बना रखे हैं, ये ए बी सी हाई एनर्जी लेवल है, एक्स को इन्होंने ग्राउंड एनर्जी लेवल बोला है, सुन पा रहे हो फिर से, ए बी सी हाई एनर्जी लेवल है और ये जो एक्स वाला लेवल है ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है। अब ये कह रहा है ये सारे इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है, हाई एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है, किसी ना किसी नीचे के लेवल पे आ रहा है। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल अकर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कह रहा भैया कौन सी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काम आएगी। फिर से सुनो, हमने ये बात लेक्चर में पढ़ी है, इमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी एनर्जी लेवल से शुरू होके किसी भी एनर्जी लेवल पे खत्म हो सकता है। देखो यहां से शुरू हुआ, यहां से खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, यहां इससे शुरू होके यहीं खत्म हो गया। हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम कहीं से भी शुरू होके कहीं भी खत्म हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम केवल ग्राउंड स्टेट से बनेगा। क्या बताया है ये बात, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा ग्राउंड स्टेट से बनेगा। तो ग्राउंड स्टेट को टच करने वाली केवल 3 लाइनें हैं, कौन कौन सी, 1, 2, 3, समझ में आई बात। ये पूछ रहा है इस इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइन को कौन बता सकता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल तभी मिलेगा जब वो ग्राउंड स्टेट से शुरू होता हो, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन ग्राउंड स्टेट से कनेक्टेड है केवल वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काम आएंगी। तो कौन कौन सी काम आएंगी, 1, 2, 3, कौन सा आंसर होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा, सी 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 सी, बढ़िया बहुत सही गजब,
ठीक समझ पा रहे ना। फिर से स्टेटमेंट याद करो, इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी स्टार्ट फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल, कैन बी एंड एट एनी एनर्जी लेवल, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शुड बी स्ट्रिक्टली स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। भैया इमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी एनर्जी लेवल से शुरू होकर किसी भी एनर्जी लेवल पे खत्म हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम केवल और केवल ग्राउंड स्टेट से शुरू होगा। और इस एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट किसको कहा गया है? एक्स को कहा गया है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से कनेक्टेड केवल 1, 2, 3 यही तीन एनर्जी लेवल वाली लाइन थी। तो दीज थ्री लाइन्स विल क्लियरली एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना गजब का सवाल आया है, देखिए बहुत शानदार सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने। ऐसे कहा जाता है, कहने में क्या जाता है, आपको सीखना भी है, केवल देखना नहीं है। हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, अच्छी बात है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व। तो भैया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का तो हमने आज फॉर्मूला ही पढ़ लिया है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का तो आज हमने फॉर्मूला ही पढ़ लिया है, देखो क्या फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का हमने ये सिखाया है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन, पहचानिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन यदि हाई एनर्जी लेवल एन एनर्जी लेवल से कूदकर ग्राउंड में आएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला है वो n n माइनस 1 बटे 2 होता है। तो कौन से प्रिंसिपल नंबर से कूद के आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 4 से, ये 4 से कूद के आ रहा है। तो आप 4 ले लीजिए, 4 माइनस 1 3 ले लीजिए, बटे 2 12 बटे 2 कर लीजिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको 6 मिल जाएंगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिल जाएंगी? 6। तो भैया यहाँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 है। क्लियर हुआ सबको? वेरी नाइस। फॉर्मूला कैसे लिखा? अरे भैया ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है, लेकिन याद कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एन एन माइनस 1/2 है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स का पार्ट है, यहाँ हम टैलेंट दिखाने कोई मतलब नहीं, काम की बात याद करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिएगा, देखो बेटा केवल 2 सवाल है, हाँ ये लास्ट सवाल है, देखिए बहुत आखिरी सवाल है ये, देखिए एकदम टाइम से लेकर आए हैं, 1 घंटे की बात तय हुई है और ये लास्ट सवाल है, देखिए इसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है ना, समय का हम बहुत ख्याल रखते हैं, आप समय का ख्याल रखेंगे समय आपका ख्याल रखेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल गया मैं? आप समय का ख्याल रखेंगे समय आपका ख्याल रखेगा। देखिए देखिए भैया लास्ट सवाल है, इसको देखिए, बहुत ही शानदार इज्जतदार सवालों में से एक। ठीक है, कल तुमसे बहुत से लोग आएंगे जो पूछेंगे कैसे गोरा बना जाए, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बहुत ही शानदार इज्जतदार सवाल। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बोर मॉडल, अच्छी बात है, बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दैट इलेक्ट्रॉन विल बी। आपको इसका सर्कमफ्रेंस समझाना है। देखो भाई होता क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, मान लो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, लो भाई हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अच्छी बात है, ये इसकी रेडियस हो गई आर। ठीक, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है, मेरे साथ सीखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आएगा दोबारा फिर। Consider an electron in nth orbit of hydrogen atom in Bohr model. Bohr model का कह रहा concept use करो, अच्छी बात है। The circumference of the orbit can be expressed. आपको इसका circumference निकालना है कि circumference कैसे बताएंगे, उसमें भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज भी करना है आपको। क्या सर ये कैसे? हम जानते हैं बोर मॉडल की बात आ रही है, यदि बोर मॉडल की बात आ रही है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उसी में मूव करता है जिसके लिए इसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2π होता है। क्या सबको ये बात पता है? बोलो भैया, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसके लिए, अरे आपने रोटेशन पढ़ लिया है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r इंटू p, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए इसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का एन टाइम्स हो। क्या, चलो सर अच्छी बात है तुम कह रहे हो तो हो गया। अच्छा उसके बाद बताइए, ये हो गया, ये टू पाई को आप इधर ले आओ, टू पाई को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका टू पाई आर हो जाएगा। बोलो भैया ये टू पाई, हमें सर्कमफ्रेंस तो निकालना है, ये जो बोर्स ऑर्बिट है उसकी सर्कमफ्रेंस निकालना है, ये है रेडियस, ये है टू पाई, टू पाई ऊपर ले आओ, टू पाई आर हो जाएगा। इधर कौन हो जाएगा, एन इंटू एच अपॉन लेमडा, सॉरी एच अपॉन पी, ध्यान दीजिएगा भैया। पहले हमने बोर्स थ्योरी लगाई, बोर्स थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का एन टाइम्स हो, यही बात होती है। अब एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर इंटू पी। अब हमें यहां डी ब्रॉगली कंसेप्ट भी लगाना है, तो हमने इस मोमेंटम को नीचे ले आए, टू पाई को ऊपर ले आए, और हमें निकालना भी क्या है, हमें यही तो निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट की रेडियस है, टू पाई ऊपर आ गया तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस ऑर्बिट हो गया टू पाई, और कौन हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। ठीक, आप बताओ h अपॉन p किसी ने पढ़ा है क्या होता है, मुझे बताओ भाई, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो हम h अपॉन p के जगह डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा रख सकते हैं, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर हो गई, n लैम्डा के। कुछ समझ में आया सर मैंने ये क्या कर दिया, कैसे ये क्या कर दिया, अरे हमने क्या किया, बोर्स थ्योरी और डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन दोनों को मर्ज कर दिया, समझ पा रहे हो, बोर्स थ्योरी और डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, मतलब बोर्स मॉडल और मैटर वेव का कंसेप्ट मर्ज कर दिया, समझ पा रहे हो, बोर्स मॉडल और मैटर वेव का कंसेप्ट मर्ज कर दिया, कि उसने बोला है कि आप बोर्स मॉडल का कंसेप्ट लगाओ और उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का यूज करो, सर्कमफ्रेंस निकालो। तो हमने फिर से क्या बोला, हमने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बोर्स मॉडल के हिसाब से केवल उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के एन टाइम्स हो। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर इंटू पी, आप जाके नोट्स में देखिए एंगुलर मोमेंटम है आर इंटू पी। ठीक, अब हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो इसका सर्कमफ्रेंस टू पाई आर होगा, तो ये आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो थी, तो हम टू पाई को ऊपर लेते गए तो ये टू पाई आर बन गया, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट बन गया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट बन गया तो पी को नीचे ले आए, ये एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन पी हो गया, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो हमने यहाँ लैम्डा एच अपॉन पी को क्या लिख दिया, लैम्डा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियल ऑर्बिट आपका एन इंटू लैम्डा आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबको, बच्चों बताओ मुझे, वेरी गुड, बच्चों देखो ध्यान से, अब हम लोगों ने एटम्स के दो वीडियो देख लिए, एटम्स के दो वीडियो में एटम्स के पार्ट वन पार्ट टू के इन सभी सवालों का आप तसल्ली से फिर से दोबारा देख देख के लगा लेंगे तो आपका काम भर का एटम्स का कंटेंट कवर हो जाएगा। अब अगले दो लेक्चर न्यूक्लियस के हैं, न्यूक्लियस पार्ट वन और न्यूक्लियस पार्ट टू, और इसमें मोस्टली सवाल मैंने रेडियो एक्टिविटी के रखे हैं क्योंकि उसके सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और आपको प्रैक्टिस करने की भी ज्यादा जरूरत होती है, तो पूरी जिम्मेदारी से अगले दो लेक्चर बने रहिएगा तो आपका रेडियो एक्टिविटी की जितनी कमियां हैं, जितनी वैरायटी है, जितने कंसेप्ट हैं, सब कवर हो जाएंगे। गुड बाय, लगे रहो, मस्त रहो।